हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी, देखिए एग्जाम आ गया है आपका और अब लास्ट मोमेंट पर कैसे करें जीत की तैयारी, क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए ये भी एक संग्राम है और कोई भी युद्ध है, कोई भी वॉर है, वो एक स्ट्रैटेजी से जीता जा सकता है। तो लास्ट मोमेंट, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनको जिनके प्रश्न हैं ये कि सर थोड़ा मोटिवेट कीजिए, हमें बताइए क्या करें क्या ना करें। तो अब इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या करें क्या ना करें। टारगेट तो हमारा फिक्स है कि एसएससी जीडी 2022 कि मुझे एक पोस्ट चाहिए इसमें, ये आपका टारगेट बना हुआ है। अब आपको लास्ट टाइम एग्जाम प्रिपरेशन जो है उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, लास्ट टाइम एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात तो यहां पर है कि जो नेगेटिव मार्किंग है उसको लेकर एक बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग है। हमारे सभी एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होता है, एसएससी में भी, पिछली भर्ती में भी था, उससे पहले नहीं होता था। तो नेगेटिव मार्किंग है, रेलवे के एग्जाम्स जितने भी हैं उसमें नेगेटिव है, बैंक्स में नेगेटिव है, ऑलमोस्ट सभी में नेगेटिव है। नेगेटिव इसमें कितना है, इसमें वही 1/4 है, यानी कि आप 5 क्वेश्चन आप करते हैं जिसमें से आप 1 सही करते हैं, 4 यदि आपने गलत कर दिए तो ये भी बराबर हो जाए, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव से बचने का क्या है तरीका, देखिए नेगेटिव से बचने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप जिस क्वेश्चन के बारे में श्योर नहीं है आप उसको छोड़ दीजिए। अब मैथ रीजनिंग में क्या होता है कि नेगेटिव एक ट्रैप लगाया जाता है आपके लिए और उसमें आप गलत को सही मानकर आप हल करते हैं, अनुमान नहीं लगाना। जैसे हम बात करें इसमें हमारे जो फोकस ऑन योर वीक एरियाज, आपकी कमजोरी क्या है। मैथ, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं जिनकी कमजोरी है मुझे मैथ नहीं आता, तो आप मैथ पर फोकस कीजिए। आप यदि उसको छोड़ देंगे बिना मैथ के आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते। अब आपका 1 महीना बचा है या आपके 5 दिन बचे हैं वो तो आपको तय करना है, लेकिन उसको छोड़कर आप ये चाहते हैं कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं। जीएस को आप छोड़ दें ऐसा नहीं हो सकता, जीएस भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन कमजोरी जो है उस पर फोकस करें कि मेरा कमजोर क्षेत्र कौन सा है उस पर मैं फोकस करूं। अटेंशन टू कोर एरियाज। अब कोर एरियाज इसमें क्या है, देखिए इसमें कोर एरियाज मैथ, क्योंकि हिंदी जो है वो या इंग्लिश वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको मास्टरी है, उसमें इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। जीएस में कहां से क्या जाए पता नहीं है, जो लोग 20 में से कहा जा रहा है कि 5, 6 या 7, 8 तक यदि सही कर जाते हैं तो वो ये समझो कि बहुत है उसमें। कोई ये कहे कि मैं 15-16 जीएस में कर दूंगा तो वो या तो बहुत अच्छी तैयारी वाले हैं जो हमारे सीजीएल वाले हैं, लेकिन वो भी 15-16 कर जाएं ये कहना बड़ा मुश्किल। मैथ रीजनिंग जो है वो भी अच्छा है प्रैक्टिस, क्योंकि क्या होता है कि हमारी आदत होती है कि हम जो इजी है उसको हम ज्यादा पढ़ते हैं, कि हिंदी इजी लगता है इसलिए हिंदी का प्रैक्टिस जो है ज्यादा से ज्यादा किया। मैथ में तो अब नहीं कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो उसको छोड़ दिया, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो फोकस जो आपका कमजोरी है उस पर करें, कोर एरिया पर फोकस करें, ज्यादा रिवीजन दोहरान। अब देखिए आपको बता दें कि जो न्यू चैप्टर्स है उनको अवॉइड करें, कि जैसे हम बात करें मैथ में आपने कि आपको कोई चैप्टर ऐसा है कि जो आपको नहीं आ रहा तो अब उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन यदि उसका आ जाएगा आपका छूट जाएगा। उस नए चैप्टर को सीखने की बजाय आप कोशिश करें कि जो आपने अब तक पढ़ रखा है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस दोहरान करने की कोशिश करें, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें, न्यू चैप्टर्स को अवॉइड करें। 24 आवर्स प्लान, अब देखिए 24 घंटे का प्लान होना चाहिए आपका और उस प्लान से दाएं बाएं नहीं निकलना। 24 आवर्स प्लान, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट डे है, जिनका पहले दिन पहली पारी में एग्जाम है वो कैंडिडेट्स ज्यादा टेंशन में आ रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा मेरी तैयारी नहीं है, ये नहीं सोचना कि मेरी तैयारी नहीं, ये भी नहीं सोचना कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी, ये सोचना है कि मेरी तैयारी है और मैं कर जाऊंगा और मुझे करना है।
24 आवर्स प्लान, 24 घंटे का प्लान अपना बना हुआ होना चाहिए और उस प्लान से दाएं बाएं नहीं होना है, उस प्लान के ऊपर बने रहना है। और उस प्लान के ऊपर बने रहने के लिए कोई आपको दूसरा नहीं कहेगा, आपको खुद को अपना प्लान बनाना है और उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है, जिसको कहा जाता है 24 आवर्स प्लान। विजुअल और ऑडियो एड्स, विजुअल और ऑडियो एड्स, दृश्य श्रव्य, ये तो आप देख रहे हैं, जो मुझे आप देख रहे हैं वो भी क्या है, वो भी विजुअल एड है। YouTube पर पढ़ाई की एक सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि YouTube तो बहुत सारे चैनल्स रिकमेंड कर देता है, मुझे तो नहीं करता। जो चीज आप खोजेंगे वही आपको रिकमेंड करेगा, दूसरी क्यों करेगा? ऐसा नहीं है, YouTube से आपकी कोई YouTube की दुश्मनी थोड़ी है आपसे कि आपको, आप मैथ पढ़ना चाहते हैं और वो आपको डांस के वीडियो रिकमेंड करेगा, नहीं करेगा, कतई ही नहीं करेगा। लेकिन आपने पहले कभी या आपने बीच में आपका मन कर जाता है, उन सब चीजों से बचना है। एक प्लेटफॉर्म चुन लीजिए, देखिए इधर उधर प्लेटफॉर्म्स पर भटकना नहीं है, सिखाने वाले बहुत हैं, सीखने वाले भी बहुत हैं, तो जो सिखाने वाले जो प्लेटफॉर्म है उसमें एक बेस्ट प्लेटफॉर्म चुन लीजिए, उसके अनुसार अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ऑडियो क्या है, कई बार देखिए क्या होता है कि हमारी आंखें भी थक जाती है, तो उस समय आंखें बंद कीजिए, अपना हेडफोन लगाइए और ऑडियो सुनिए उसको कि क्या पढ़ाया जा रहा है, उसको सुनना है बस, दिमाग को रेस्ट मिल जाएगा। और मैं ये नहीं कहता कि आप डांस की वीडियो नहीं देखें, आप वो भी देख सकते हैं, आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, रेस्ट रिलीफ भी जरूरी है, लेकिन वो 24 आवर्स जो प्लान होने किया उस प्लान में ही शामिल है वो। अब एंटायर सिलेबस तीन भागों में आप बांट सकते हैं उसको, क्या स्ट्रॉन्ग, आपका कौन सा मजबूत पक्ष है, आपका कमजोर पक्ष कौन सा है और आपका मीडियम कौन सा है। अब इस एसएससी जीडी की हम एक मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स की बात करते हैं, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन सा है, लैंग्वेज हिंदी और रीजनिंग जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उस पर अब ज्यादा समय मत लगाइए। वीक कौन सा है, वीक मैक्सिमम हमारे ऐसे ही कैंडिडेट्स की मैथ वीक है, मैक्सिमम मेजोरिटी में बता रहा हूं, देखिए ऐसा है भी कि जिनका मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग भी है वो लोग भी हैं यहां पर, लेकिन बड़ा तबका वो है जिनका। और मीडियम क्या है हमारा, जीएस है मीडियम। अब जीएस जो है उसको लास्ट मोमेंट में आप कहां से पढ़ें, आप क्या पढ़ें, क्या क्वेश्चन आ जाए, तो इस तरीके से उसको बांट लीजिए और उसके अनुसार उस पर फोकस करना है। बैलेंस, अब देखिए रीड और राइट की अपने नोट्स, राइट क्या है, नोट्स या प्रैक्टिस जो मैथ की या रीजनिंग की आपकी प्रैक्टिस होती है, आपका तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में मैथ और रीजनिंग में भी आप आधे क्वेश्चन, रीजनिंग में तो कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हों कि जो आप बिना पेपर पेन का इस्तेमाल किए आप कर डालें, ऐसी प्रैक्टिस आप कीजिए। और इस प्रैक्टिस के लिए आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, आपको जो याद करने वाली चीजें हैं वो याद होनी चाहिए। मैथ की यदि हम बात करते हैं तो मैथ में नंबर सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से आपके टिप्स पर होना चाहिए, जो चैप्टर्स जो पिछली भर्ती में जो क्वेश्चन आए हैं उनके अनुसार प्रैक्टिस कीजिए, उस पर भी हम बात करेंगे। तो रीड एंड राइट का जो बैलेंस है उसको बनाना है। पास्ट एग्जाम पेपर्स प्रैक्टिस, पूरा पीडीएफ, कहने को यह है कि एसएससी के क्वेश्चन बैंक सब बाहर आ जाता है, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया और उसके बाद में जो क्लिक करते हैं आप लोग, उसका ही पीडीएफ बन गया, उसकी बुक भी बन गई, उसकी पिछली भर्ती में आए हुए सारे क्वेश्चन जो है वो बाहर आ गए, उन क्वेश्चंस का एक आधार लीजिए। इसके अलावा देखिए आपको बता दें कि एसएससी जीडी के अलावा आप कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, एमटीएस और जो स्टेनो वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उनके पेपर्स जो है पुराने, उनकी भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन जो है वो एज इट इज सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा आपको देता है। जीएस में रिपीट क्वेश्चन हो गया आपका फायदा, आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन देखा आपको मजा आ जाएगा। स्टडी ग्रुप्स देखिए क्या होता है कि आप अकेले पढ़ाई करते हैं आप बोर हो जाते हैं, और अकेले कैंडिडेट पढ़ाई करता है टेंशन में भी आ जाता है, तो अपने दोस्तों से बात कीजिए, उनके साथ अपना एक ग्रुप बनाइए और दोस्तों में भी ऐसे दोस्त
जो पढ़ाई करने वाले हों, जो सीरियस हों, ऐसे नहीं कि जो चल ठीक है आ जा यार कोई बात नहीं अभी चलते हैं बाद में पढ़ लेना। उसको कहा है स्टडी ग्रुप्स की मदद आप ले सकते हैं, पर्सनल स्टडी गाइड। पर्सनल स्टडी गाइड क्या है? वही है जो पीछे हम बात कर रहे हैं कि मुझे इतना काम करना है तो वो करना ही है मुझे। अब उसमें बुलाती है तो जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, उसका भी ध्यान रखना है। पर्सनल स्टडी गाइड। अब देखिए शेड्यूल, रेगुलर स्टडी ब्रेक्स, शेड्यूल जो आपका बना हुआ है उसमें कि मेहनत, देखिए एक तो होता है मेहनत और दूसरा होता है जिसको कहा है मगजमारी। मेहनत करना है, मगजमारी नहीं करना। सेलेक्ट कीजिए टॉपिक, सेलेक्ट कीजिए उसके बाद उनका उनको कैसे मैनेज करना है वो कीजिए। अब एक कैंडिडेट ऐसा है कि जो सुबह से शाम तक कहा मैं मैथ के 2000 क्वेश्चन करूं, अरे 2000 कर तो देंगे आप लेकिन वो 2000 कौन से कर रहे हैं आप? आप वो कर रहे हैं एक पतली सी बुक आपने ली हुई है और उसके सारे इलस्ट्रेशन आप कर रहे हैं। ट्रेड्समैन का एग्जाम नहीं है ये, ना आर्मी अग्निवीर का एग्जाम है, ये एसएससी जीडी। तो प्रैक्टिस जो इलस्ट्रेशन है उससे बात नहीं बनेगी आपकी, क्वेश्चन पर जाइए और क्वेश्चन भी कौन से, जो पिछली भर्ती में क्वेश्चन आ रखे हैं उसके अनुसार देखिए। आप पिछला पेपर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि रिपीट क्वेश्चन हुआ, और दूसरी बात एक क्वेश्चन जो है उसमें दो तीन चैप्टर को जैसे चाल दूरी समय के साथ में मिक्स कर दिया, किसको, क्षेत्रमिति को मिक्स कर दिया कि एक आयताकार मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाने में इतना समय लेता है, या आयत और सॉरी वर्ग और वृत्त का मिक्स कर दिया। तो ये जो है मिक्सिंग, दो या दो से ज्यादा चैप्टर्स को एक क्वेश्चन में मिक्स कर देना उसके अनुसार। रेगुलर स्टडी ब्रेक्स कि आप कंटिन्यू सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं तो उसमें ब्रेक भी लेना जरूरी है, 5 मिनट 10 मिनट जो आपको जितना टाइम आपके लिए है। अब एक कैंडिडेट तो ऐसा है जो 5 मिनट में फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो गया, और एक ऐसा है कि जो आधा घंटे भी होने के बाद भी कि मन नहीं कर रहा, कि अब मन नहीं कर रहा। परेशानी ये हो रही है कि अब कुछ हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जिनको अब मन नहीं करते, कि मन तो करना पड़ेगा क्योंकि अब तक मैंने नहीं पढ़ा, अब तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। अभी एक्सरसाइज फॉर बोथ बॉडी एंड माइंड। बॉडी तो देखिए अब मैं आपको नहीं कहूंगा क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है कि आप बॉडी की एक्सरसाइज करें, लेकिन थोड़ा धूप जरूर देखें क्योंकि ऐसा है कि पूरे दिन आप पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ी सी धूप जरूर देखें, चाहे 5-10 मिनट टहलने ही जाएं लेकिन थोड़ा धूप जरूर देखें। माइंड जो है उसकी एक्सरसाइज के लिए क्या करना है आपको कि आप अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, कुछ आपके पास है सब कुछ, आपके मोबाइल में है सब कुछ, अपने दोस्त से डिस्कस कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस कर सकते हैं, कोई पेड़ पौधे हैं आपके यहाँ पर तो उसको पानी दे सकते हैं, कुछ इस तरह का काम कि आपको थोड़ा सा बॉडी और माइंड जो है दोनों ही आपके रिलैक्स हो सके। रेस्ट योर माइंड हो गया है। प्रॉपर फूड हैबिट्स, देखिए हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो खुद से खाना बनाते हैं, जो रूम वगैरह लेके रहते हैं या कहीं ऐसी जगह रहते हैं हॉस्टल वगैरह में, पीजी में रहते हैं, वहां पर जो है खाना जो है वो आपको शेड्यूल के अनुसार आपका बनता है। और खुद बनाने वाले जो है वो बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं कि सुबह बना लिया उसी को शाम को उसी को यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई के चक्कर में आपकी फूड हैबिट्स खराब हो जाएं और आपका वाहन नुकसान हो जाए, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो उससे भी बचना है। और जंक फूड जो है उसको अवॉइड करना है। लास्ट डे रिव्यू नोट्स। रिव्यू नोट्स क्या है कि जो अब तक आपने नोट्स अपने बनाए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेना है लास्ट डे के लिए, कि आपका 10 को एग्जाम है तो मुझे 9 को क्या काम करना है, वो लास्ट डे रिव्यू नोट्स। प्लान फॉर एग्जाम डे। प्लान फॉर एग्जाम डे में आपका एग्जाम डे का क्या प्लान है? एक तो देखिए आपका सेंटर आपको पता होना चाहिए, 10 तारीख को आपका एग्जाम है तो 9 तारीख को शाम तक आप, या आपका लास्ट शिफ्ट में है
तो आप समय रहते अपने सेंटर को आप देख लें, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी सेंटर कहाँ है, आपके सेंटर पर पहुंचने का रास्ता क्या है, उस पर वहां जाने के लिए आपको क्या चीजें आपको चाहिए। तो आपको एडमिट कार्ड चाहिए, एक आईडी आपको चाहिए, और आईडी और एडमिट कार्ड में आपका नेम जो है वो सेम होना चाहिए। वोटर आईडी की बात करें हम, तो वोटर आईडी में कई बार ऐसा होता है कि जो पूरा नाम नहीं होता उसमें, नाम आपका पूरा होना चाहिए। आईडी यदि आपका आधार कार्ड और वोटर आईडी एड्रेस वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है तो आप दो या दो से ज्यादा आईडी भी आप रख सकते हैं। तो ये आपकी तैयारी है। दूसरा, एग्जाम सेंटर का आपका पूरा प्रॉपर जानकारी हो। फर्स्ट शिफ्ट में है तो रात को सेंटर पर पहुंच जाएं, और लास्ट शिफ्ट में है तो मॉर्निंग तक सेंटर पर पहुंच जाएं। वैसे हम सलाह देते हैं कि जो नाइट ट्रेवल है उसको अवॉइड करें, प्रॉपर स्लीप आपका होना चाहिए। प्रीवियस नाइट की 10 को एग्जाम है तो 9 तारीख की रात को आपकी प्रॉपर नींद होनी चाहिए कि 6 से 8 घंटा आपका नींद होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि लास्ट जो है नाइट हमारा, उसको पूरी रात ही पढ़ाई कर रहे थे, वो गलती नहीं करना है। वो पूरी रात पढ़ाई करने वाला काम नहीं करना है यहाँ पर। पहली रात आप जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, पूरा रेस्ट कीजिए, प्रॉपर स्लीप आपका होना चाहिए, 6 से 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। नाइट ट्रेवल अवॉइड करना है। इसका देखिए इसका नुकसान होता है आपको कि आप ट्रेन में बस में आप प्रॉपर आपका नींद नहीं हो पाता। तो कोशिश ये कीजिए कि एग्जाम से पहले दिन अपने सेंटर पर पहुंच जाए और सेंटर के आसपास कोई रुकने का अरेंजमेंट अपना कर ले। ठीक है, वो आपके लिए कुछ खर्चीला हो सकता है लेकिन वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप जो रात को सफर करके जाते हैं, मेडिकल में कैंडिडेट्स रात को सफर करके जाते हैं, उस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या यूरिन में जो है पस सेल्स का जो प्रॉब्लम होता है वो भी उस वजह से आ जाता है। आपका यहाँ मेडिकल तो नहीं हो रहा लेकिन मेडिकल का रास्ता भी इसी से निकलेगा। तो लास्ट नाइट जो है उसका प्रॉपर रेस्ट रिलीफ, प्रॉपर स्लीप आपका होना चाहिए, पूरी नींद आपको लेनी है। और दूसरी बात, रात का सफर करने से बचना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहें, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें कि मैं इस भर्ती में चाहे कुछ भी हो जाए एक वैकेंसी में नहीं छोड़ूंगा। कॉन्फिडेंस को डगमगाने नहीं देना। और लास्ट में जोश हाई होना चाहिए। फौज में भर्ती होने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि फौज में जाने के बाद कई बार ऐसे मौके भी आएंगे जहां वन वे ही होगा, वापसी का रास्ता नहीं होता। वापसी का रास्ता बनाना पड़ता है कि दुश्मन को मार कर ही आप वापस आ सकते हैं। वही काम यहां पर है, जोश हाई रखना है। अभी दुश्मन कौन है? अभी दुश्मन है आपकी जो परिस्थितियां हैं वो। तो दुश्मन वो ही नहीं है जो बॉर्डर के पार से आता है, दुश्मन हर पल हर लम्हा हर घड़ी जो आपको और हमें हताश निराश करता है वो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो उसको हराना है पर जोश हाई रखना है। तो शुभकामनाओं के साथ बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।